देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह मुझे तो आप ना जी कड़ी पकौड़े के मेन डीलर लग रहे हैं। यह जो बंदे ना अभी मसन के सिर्फ तैयार का तो है जी, मैं चुगली करने जा रहा हूँ। और अक्सर चुगली करके साथ वाले को कह रहे थे मेरा ना ना नहीं। वैसे चुगली करना है कोई अच्छी आदत है? नहीं सर, बहुत बुरी आदत है। अच्छा जी। हाँ वासे भाई मैनू कही जा रहे अपने ससुर से चेक ना लेना, बाउंस हो जाएगा। लेकिन कुड़ियां ज्यादा चुगलियां कर दी। नहीं रीज ने वो चुगली की थी, मैं तुम दस नहीं सकता। हाँ जी मैनू आके कह रही के वो अमजद है ना जो अमजद है ना जो बड़ा अमीर बना फिरता, उसके पास 33-10 है। लेकिन आपने कभी की वैसे चुगली? कभी पता नहीं होता वो चुगली हो रही होती है, लेकिन वो बस स्लिप हो जाती है बात। लेकिन बैड हैबिट है सर, वेरी बैड। भाई कितने दिन रीज ने यकीन करो कप फड़िया वड्डा नहीं होड़ा नाम। मैं क्या होया? कहते महल्ले च मैं चुगलियां च फर्स्ट आई। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं प्रोड्यूसर एंड एक्टर जनाब नबील जफर। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन मोहतरमा नदा जरीन परवेज। वेलकम टू द शो जी। शेर में बहुत सारे लिखने लगा था लेकिन फिर नबील भाई आपके लिए स्पेशल आया, सिर्फ आपके लिए स्पेशल है। आप आए महफल में जैसे गुलशन में आए बहार, जैसे पेट्रोल के रेट में कमी हो जाए 104, जैसे बगैर गोली के ठीक हो जाए किसी का बुखार। और सुबह से बैठा कर रहा हूँ नबील भाई आप ही का इंतजार। आए ये बहुत शुक्रिया आपने ये अता किया, इसमें बहुत सारी आपकी ख्वाहिशें नजर आएंगी कि पेट्रोल भी कम हो जाए, बुखार भी गोली के बगैर खत्म हो जाए। सबकी तर्जमानी। हमें सब्जियों की परवाह नहीं, हमारी अपनी खेती है। आहा। उसे हर बात का इसलिए पता है वो हमारी भेती है। नदा जी से सबने सोच समझ कर सवाल करना है, वासे क्यों एक मुक्का मार के 32 दान निकाल देती हैं। जी नबील साहब क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बताइए। पहले तो मेरा आपसे गिला है क्योंकि आप आखिरी बार जब मुझे मिले थे तो आप एक बड़ी दीदाज़ेब जैकेट पहन कर आए थे, जिसके बाद मैंने आपने आज मुझसे उसका इंतकाम लिया। इंतकाम नहीं लिया मैंने, गलती से बहुत अलमारी में से पीछे से जैकेट खींच के निकाली थी और मैंने पहनी और आज आप इस तरह की ड्रेसिंग करके आ गए। आप बहुत प्यारे लग रहे हैं और जो आपने ये कॉम्बिनेशन जो है ना जी, जोकर के तोते होते हैं ना सर, बड़ा मजा आना है। और कुछ नहीं, अभी बीच बीच में क्यों दूंगा। बहुत नवाजिश आपकी। नदा आपके क्या हाल हैं? बस ठीक ठाक। मुझे ये बताइए कि आप कनाडा में आपकी पैदाइश हुई? जी जी। और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता कहीं से स्लिप होते 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 इवेंचुअली पाकिस्तान वापस पहुंच गई। जी बिल्कुल ऐसा ही। बीच में आप पढ़ने के लिए लंदन भी गई थी? जी जी। लंदन पढ़ी और उसके बाद फिर आपने अगला स्टेप जो था इवेंचुअली यू लैंडेड अप इन पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। वाज दिस अ प्लान ऑलवेज फॉर यू? नो जी, बस आई जस्ट लैंडेड मायसेल्फ इन पाकिस्तान शादी के बाद और इधर आई हैव बीन सेटल्ड हैप्पीली सिंस। और आपने लिंग्विस्टिक्स पढ़ी थी? जी जी। आई रेड इंग्लिश एट किंग्स कॉलेज और साथ में अरबिक भी पढ़ी हुई है और आई डिड अ लॉ डिप्लोमा शॉर्टली आफ्टर और पाकिस्तान आके भी इधर भी मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस की थी। आप लवी पढ़ी लिखी हैं फिर आपने शादी क्यों की? गुड पॉइंट। हां सर अच्छे बुरे वक्त का पता थोड़ा। और मैं देख रहा हूँ उसका रंग ना पीला सा पड़ गया, पता क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि भाई को पता चला एक तो बहुत पढ़ी लिखी है, ऊपर से बॉक्सर भी है। मैडम मुझे बताएं कि लिंग्विस्टिक्स के अंदर आपने पढ़ा, इसको एक्सप्लेन करें क्या होती है एग्जैक्टली डिग्री? लिंग्विस्टिक्स आपका एक स्टडी ऑफ लैंग्वेज होता है जी। सो उसमें आप ये देखते हैं कि जो लोग बाइलिंगुअल होते हैं वो किस तरह लैंग्वेजेस को स्वॉप करके कोड स्विचिंग करते हैं और इस तरह आप अप्रिशिएट करते हैं डिफरेंट डायलैक्ट्स होते हैं लैंग्वेजेस की, फ़र्क फ़र्क इनका सिंटैक्स किस तरह होता है, इनके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर किस तरह होता है। जैसा उर्दू के भी सिंटैक्स फ़र्क होता है, इंग्लिश का भी, जर्मन का भी, बट एक पैटर्न एक मुसलसल होता है
आपका बॉडी लैंग्वेज पे एक तरह की कम्युनिकेशन होता है, दैट्स अ फॉर्म ऑफ लिंग्विस्टिक्स एज वेल. तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं. और ये सब के दरमियान में ये बॉक्सिंग कहाँ से आई है? मुझे पहले बड़ा शौक था स्पोर्ट्स वगैरह करने की, तो शुरू एक्चुअली मैं फुटबॉल खेलती थी फॉर द यूनिवर्सिटी. अच्छा, यूनिवर्सिटी के लिए फुटबॉल खेलती थी? जी जी. ठुड्डे तो सीधा मुक्के दे आ गए. तो बॉक्सिंग तो मैंने शुरू की थी एज अ फॉर्म ऑफ फिटनेस, ताकि मेरा फुटबॉल गेम जरा इम्प्रूव हो जाए. और अचानक से तो आई क्वाइट एंजॉयड द स्पोर्ट. तो उसमें फिर एमेचर बॉक्सिंग क्लब के मैं एक आई जॉइंड, और उसके थ्रू मैं लड़कियों को भी ट्रेन करती थी, क्वालिफिकेशन भी ली थी. और जब मैं पाकिस्तान आई थी तो मुझे एक फुर्सत मिला था दोबारा प्रैक्टिस करना. मैंने फिर नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल जीत की. तो मुझे बहुत शौक़ है और बड़ा मेरा वो ख्वाहिश है कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए नेशनल्स में और इंटरनेशनल गेम पे अगर लेके जा सकूं तो बड़ा फख्र वाली बात. कभी आपकी बॉक्सिंग का मैच चल रहा हो तो उस अगली बंदी ने आपको बहुत मारा हो जी, तो गुस्से से तुसी उते दंदी वाड़ती होवे? नहीं, ऐसा तो अभी हुआ नहीं. आप बच्चों वाली लड़ाई करा रहे हो भाई. चलो, बाल खींचने तक तो समझ आता है, सवा तीन बाल खींच देती. ये लग रहा है दूसरी क्लास की लड़ाई हो रही है दंडी बाड़ के लिए. वो अगला बॉक्सिंग कर रहे हैं, वो बाल वाल और दांत पैर रख देता है. हेड गार्ड पहना होता है उन्होंने. और जब मुक्का आपको मारने का माजन मौजूद है तो आप फिर क्यों ये दंडी बंदी पे जाएंगे? ऑफ कोर्स एंगल गेम है एक बड़ा, उसमें बहुत इंटीग्रल पार्ट है एग्रेशन का. ऐसे ही बिल्कुल है. हैज देयर बीन अ पॉइंट जहां पे आप जरा थोड़ा लूज कर गई हो कूल अपना? एब्सोल्युटली. इसलिए आपके जो कोचेस होते हैं दे ऑब्वियसली आपको पॉइंट स्कोरिंग का ज़्यादा फोकस और एम्फेसिस होता है, मगर ऑब्वियसली वो आपको कोचेस सिखाते भी है कि अगर आपने मतलब कम्पीट करना तो थोड़ा अग्रेशन दिखाना होता है आपके अपोनेंट. सो कभी आपने पीछे से अगर आपने लगाना है, मतलब इधर इनका कंट्रोल सेंटर इधर ही होता है ना आपके अपोनेंट्स की, तो वो थोड़ा सा वो हिल जाते. तो आपका एक स्ट्रैटेजी अगर आपको प्लान करना होता है व्हाइल यू आर प्लेइंग एनी स्पोर्ट. तो ये जो आप प्रैक्टिस करती हैं अपनी बॉक्सिंग की, ये आप सिर्फ सैंड बैग पे ही करती हैं या शोहर भी काम आते हैं इसमें? वैसे गुड क्वेश्चन. मैं एक्चुअली अपने शोहर के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करती थी, बट ये तो बर्तन नहीं धोंदे. तो अच्छा, प्रैक्टिस करती हैं आप? कभी उसको भी शौक है फिटनेस का और बॉक्सिंग का. इतना नहीं होगा आई एम श्योर. वेल, जब से हमारा एक टक्कर होगी तो ऑब्वियसली उसके बाद तो नहीं. अच्छा, टकरे टुकरे ही मार देती हैं आप पीछे. फ्लो में अगर आ रही हो तो लगा देती हैं. अच्छा. इन्होंने खावंद ने मुक्का मारा, बेहोश हो गए थे. उन्होंने कह रहे को बेबी मैं मजाक कर रही थी. मगर वो तो बेचारे हो गए ना जो उनके साथ हो. आपको कभी कोई ऐसा शौक रहा है? नहीं जी, मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा काम ही नहीं है मुक्केबाजी का. नहीं, मगर कभी होता है ना, कभी इंसान जिम शिम चला जाए तो देखता है. नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में होता था, वो तो लड़ाई होती थी तो उसमें पहला काम हमारा ही होता था कि टक्कर मार देना. मैक्सिमम स्टार्ट ही टक्कर टकरे टुकरे मार लेते थे आप? बस थोड़ी सी ऐसी, क्योंकि वो शुरू में ऐसे ही था कि वो एक तो मैं लेफ्टी हूँ तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते थे कि लड़ाई में राइट से आएगा. हाँ. तो लेफ्ट से आता था. इसका भी एडवांटेज मिलता है आपको अगर आप लेफ्ट. अनएक्सपेक्टेड. अच्छा, आप भी लेफ्टी हैं या राइट हैंडेड? राइटी. ओके, आप तो ठीक है, आपको तो पता है कि जहां से आना है वहीं से आता है. हाँ, एग्जैक्टली. मगर आपको कभी इस किस्म का शौक नहीं? बाय द वे, आपकी मुलाकात कभी हुई है इनसे? अभी ये 10 मिनट पहले अभी हुई है. उससे पहले आपने इनका कभी टेलीविजन पे इनको देखा है? ऑब्वियसली यस. हैव यू सीन हिज प्ले बुलबुले? I have seen snippets of it. अभी तो obviously training के बीच में और बच्चों के बीच में और शौहर और बर्तन के बीच में. ये तब से ड्रामा कर रहे हैं जब आप भी बच्ची होंगी. 14 साल हो चुके हुए हैं इनके प्ले है जो बुलबुले, और वो लॉन्गेस्ट रनिंग सिटकॉम बन चुका है पाकिस्तान की तारीख का. आप सोच लीजिए कि कब से बुलबुले कर रहे हैं. जब पहला एटमी धमाका हमने किया तब भी इन्होंने बुलबुले का एपिसोड शूट किया था. उसके बाद से कितनी हुकूमतें आई गई, कितने लोग आए गए. आप अप्रिशिएट करने की बजाय मुझे लगता है क्लास कर रहे हैं. मैं तो सर लॉन्जेविटी बता रहा हूं नबील भाई. कब माशाल्लाह कब यार, ये जैकेट पे नहीं था आपने गौर किया? 14 साल माशाल्लाह यार, अल्हम्दुलिल्लाह 700 एपिसोड प्लस कुछ हो चुके हैं माशाल्लाह. जबरदस्त. तो भाई अजीब बचकाना सवाल है, लेकिन आज भी जब एपिसोड शूट करने जाते हैं तो वही जज्बा कैसे होता है, या फिर एक ऑटो पायलट लग चुका हो? नहीं नहीं यार, बहुत. मैं आपको बताऊं वैसे वो लगता नहीं है शायद इस तरह, लेकिन बड़ी शदीद एफर्ट. आज भी उतनी ही एफर्ट है जितना पहले एपिसोड में थी, कि हम तीन लोग बैठ के अपने एपिसोड को पहले उसको 20-22 मिनट की ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं डिफरेंट कैरेक्टर बन के. राइटर माई सेल्फ एज ए प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर राना रिजवान और सबा, हम लोग वो मिलके उसको पहले रिकॉर्ड करते हैं क्या इस दफ़ा नेक्स्ट सिचुएशन क्या है.
उस सिचुएशन को 21-22 मिनट रिकॉर्ड करते हैं, देन वो राइटर जो है वो लिखती है। लेकिन नबील भाई, आपका मेरा ताल्लुक बहुत अच्छा, मेरे बड़े भाई हैं, आपने हर मरतबा वादा किया कि बुलबुले में कोई 2-3 एपिसोड, तो क्या वजह क्या? मैं ताड़ी गड्डी ते लकीरां मारतियां ने, ताड़ी जराबां चुके लै गया, मैंने दसो वजह की? कमेटी खा गया थोड़ी, मैं क्यों नहीं आ रहा बुलबुले में? इसीलिए 14 साल चल भी तो गए। नहीं, आप एनी टाइम, आप कराची आते नहीं है ना यार? मैं ताड़े नाल ही जा रहा हूँ, तुम हामी दे भरो, वैसे तो कहीं भी मिल जाएंगे, नबील कभी कभी मिलेगा। ओहो, नहीं सर, अब तुमने जज्बाती कर दिया, तो डन है। डन पॉइंट वेख लेना, बैग तैयार करो। बैग मैं तैयार है सर, मैं बैग तो गाड़ी में पड़ा होता है, इनके कोई ले जाने वाला नहीं बन रहा। हाँ, तुम रोटी भी ना देना, मैं आटा भी ना रख लंग बोरी है। आपको वैसे इतना कुछ आप कर चुकी हुई हैं, लिंग्विस्टिक्स भी पढ़ ली आपने, फुटबॉल भी खेल ली, फिर आप इस तरफ भी आ गई हुई हैं, अब आप पावर लिफ्टिंग और पता नहीं मैंने देखा वो भी बहुत सी चीज़ें कर रही होती हैं। जी जी, ये आपको फिटनेस का भी शौक कैनेडा से चल रहा है? नहीं नहीं, बस वैसे आई सपोज मेरे जो भाई हैं और जो वालिद साहब हैं वो भी स्पोर्ट्स के बड़े शौकीन से पहले से। इवेंचुअली आई गॉट इंटरेस्टेड इन इट। इंटरेस्ट तो एक अपनी जगह है, लेकिन साथ साथ एक कमिटमेंट भी बहुत चाहिए होती है। जी जी, कमिटमेंट तो ऑब्वियसली विद एनी स्पोर्ट तो आपको डिसिप्लिन वगैरह चाहिए होता, और स्पोर्ट के बगैर, जिम के बगैर, तो यू नीड दैट कमिटमेंट टू समथिंग। सो एंड कितना टाइम लगाती हैं जिम में? वर्कआउट आपका कितना एक होता है अरसे का? An hour and a half. इतना ज़्यादा मतलब ये है कि 5 days a week I train और 1-1.5 hours. उन्होंने जिम करना, उन्होंने कहा था डेंगू जाके पहले सफाई भी करनी होती। और ये क्या सिर्फ आप कार्डियो भी इसमें होता है या सिर्फ आप? नहीं जी, मैं वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ बॉक्सिंग ट्रेनिंग भी, पैड वर्क भी डालती हूँ, और साथ मेरे फ़र्क सेशन होते हैं फ़र्क चीज़ों के निस्बत। सो बॉक्सिंग का 3 components होते हैं, एक आपका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग होती है जो आप वेट्स वगैरह करते हो, एक आपका बैग वर्क होता है, और एक आपका वो स्किल्स होते हैं जब आप पैड वर्क करते हैं या आप स्पारिंग करते हैं। लेकिन आपका जब मैच, तो मैं तो बॉक्सिंग करती हैं, वैसे मोहल्ले में कभी लड़ाई हुई तो बॉक्सिंग? बैठे कैनेडा में मोहल्ला नहीं होता। फिर तुम कभी गए नहीं कनाडा में? तो मोहल्ले होते हैं सर, खुले खुले मोहल्ले, लेकिन आप गए नहीं, मैं आपको लेके जाऊंगा। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि आप छत में नहीं सो सकते, बस ये एक टेक्निकल मसला होता है। मगर वैसे फील्ड में आने से पहले होती थी कभी लड़ाई वगैरह? नहीं, मगर कुछ सच हल्की सी हुई है लगता है। They obviously temper तो है मेरी। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है आप मुक्का खाने की पूरी कोशिश कर। मगर अच्छा, कुछ पहले हुआ हुआ है यानी कैसा? कोई आपने कहा कि एक एंगर तो है? नहीं, एंगर इशू तो है, बट जब से मैंने बॉक्सिंग शुरू किया वैसे वो कंटेन हो गई है जी। सर, शादीशुदा हर मर्द अपनी बीवी से डरने का दावा करते हैं, ये असल में भी डरते हैं कि सिर्फ डायलॉग की हद तक महदूद है? दावे में आप सूरत है बहुत। नहीं नहीं, मैं वही ना, मैं तो आपके मुंह चेक कर रहा हूँ। सर देखिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी है, और खासकर अगर बीवी बॉक्सर हो तो फिर तो उनको तो डरना चाहिए। लेकिन वैसे भी मैं समझता हूँ कि अच्छी जिंदगी के लिए यही है कि आप थोड़ा सा बीवी से डरते रहे। आप पोइट्री भी बहुत अच्छी करते हैं, अपना कोई फेवरेट शेर सुना दें प्लीज। मुझे अच्छी बात लगी कि उन्होंने बीवी से डरने के सवाल के साथ पोइट्री का जिक्र किया। आज सारे सवाल इकट्ठे कर लिए, प्रोग्राम छड़न तो नहीं लगे। जी सर, कोई शायरी आप अपनी कुछ सुनाना चाहें? जी, मेरी अपनी जाति तो नहीं है, खावर भाई की चुराता हूँ मैं अक्सर। खावर भाई को बड़ा गिला होता था। अयूब खावर साहब की? जी, अयूब खावर साहब। बड़ी तूफानी शायरी उन्होंने दी जी। ओए हो, आम बंदा तो समझ ही नहीं सकता, तजस्सुम के तराजू में मैं भगंदमंग कर गया। भगंदमंग क्या कर गया? ओ, शायरां दे आतंकवादी होए ने अयूब खावर साहब, समझ ही नहीं आती कि जेर केड़ी जबर। नहीं, वो मुझे याद आ गया, खावर भाई जब मैं शुरू किया, स्टार्ट मैंने काम उनसे किया था 91 में, पहले उन्होंने मुझे चांस दिया था लाहौर टीवी से। तो एक दिन मुझे कहते हैं, यार बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि मैं अपने शेर सुनाता हूँ, तो वो कहते हैं कि नबील ने सुना दिया। मैंने कहा तय कर लेते हैं, आपने कहाँ सुनाने हैं, मैंने कहाँ सुनाने। जगह कौन कौन सी है? उनका एक कथा है कि अब किसी बात पे क्या उससे खफा होना है, अब किसी बात पे क्या उससे खफा होना है, जिंदगी भर के लिए जिससे जुदा होना है, तुमसे बिछड़े हैं तो अब सीने की मेहराबों में, यानी दिल, तुमसे बिछड़े हैं तो अब सीने की मेहराबों में कौन देखेगा जो एक हश्र बपा होना है। हाय हाय हाय। Welcome back to Gup Shup. Nada, ye batayein. Other than boxing and everything, what else do you like to do? I love to cook.
तो आई डिड कल्नरी इंटेंसिव कोर्सेज इन एलए और हम इंटेंसिव कोर्सेज ये क्या होते हैं जी वो आपका नॉन स्टॉप आपका सेशंस चलते हैं और मैंने जो है प्लांट बेस्ड मैंने स्पेशलाइज किया है ये भी यानी कि रह गया था लॉ सॉकर बॉक्सिंग और बीच में आपने ये इंटेंसिव कल्नरी कोर्सेज भी कर छोड़े हैं जी 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 कोई दो तीन चीजें जो रह गई हो आप वो बताएंगे इकट्ठी बता दे एक ही बार बता दे मैं बार बार क्या पूछूंगा बस अब हेल्थ एंड वेलनेस जो है ना उसमें इतनी इंटरेस्ट है हमारी मतलब स्पोर्ट्स के अलावा आपका फिटनेस के अलावा और खाने पीने का ऑब्वियसली ऑल गोज हैंड इन हैंड तो वो कठे एक कैटेगरी आई वुड सजेस्ट कि वो वैसे आप फिटनेस ट्रेनर भी हैं जैसे आप मेरे मुझे कोई बताएं क्या करना चाहिए ताकि मैं फिट हो जाऊं मैं चाहता हूं मेरा भी तकरीबन 75 केजी वेट हो जाए अभी कितना है सर 85 है हाँ जी हाँ जी नहीं अगर दो चार दिन का खाना छोड़ दो तो आ जाएगा 75 जी तो बताएंगे आपको आप अपना कैलोरी डिफिशिएंट में लेके आए अपना खाना नहीं मैं किराए पे रहता हूँ कहाँ से ले आऊँ मैं कैलोरी डिफिशिएंट तो ये क्या होता गया है थोड़ा सा नहीं ज़्यादा इनको बताइए आप क्या कह रही हैं आसान लफ्जों में कैलोरी डिफिशिएंट की मतलब ये है कि आप जितने आप कैलोरीज खाते हो ना आप जितना एक्सरसाइज करते हो यू शुड बी बर्निंग मोर कैलोरीज rather than जो आप कंज्यूम करते हैं आपको समझ आई कुछ हाँ वो कह रहे हैं कि जितना खाना वो आपकी कैलोरीज उतनी बर्न भी होनी चाहिए हाँ तो आप बर्न भी करिए और मेरी धर्म बर्न हो गई है मैं क्या करूँ जी नदार आपने अपनी बॉक्सिंग के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग सेशंस भी लिए हैं तो एक हफ्ते में कितने ट्रेनिंग सेशंस इंपॉर्टेंट हैं एटलीस्ट 3-4 सेशंस पर वीक बॉक्सिंग के उसके अलावा एवरीडे जिम वगैरह करना बहुत जरूरी है अभी कभी आप बॉक्सिंग कर रही हो आपकी फाइट चल रही हो तो उस लड़की ने आपको बहुत मारा हो तो तुसी उन्हें क्या बोले थे खलो मैं अपने अब्बू नू लेके आऊंगी मेरा नहीं ख्याल उसकी जरूरत पड़ती होगी आपको वैसे आप खुद ही संभाल लेती अपने बदला शदला लेती खुद ही सर मैं एक वैसे सवाल में पूछ रहा हूं कि जो बॉक्सिंग करता है उनके नाक की हड्डी नहीं होती ये सच बात है कि हम गल्ला मड़ियां ने सच बात है हमारा कार्टिलेज होती है हड्डी के बजाय कार्टिलेज अच्छा हो गया अंदर जितना बेबस पिया को मैं देख रहा हूँ आज बता दीजिए इनको उन्होंने भी नहीं पता अच्छा वो कार्टिलेज सॉफ्ट हो जाता है अच्छा 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 और कोई आपका बॉक्सिंग से मुतालिक सवाल नहीं वो कहते दांत भी नकली होते हैं वो इस तरह नहीं आपको गमशील तो पहनना ही पड़ता है ना और वैसे डू द ब्रूजेस स्टे लाइक डिस्पाइट ऑल द कवर्स दैट यू गाइस आर वेयरिंग यस एब्सोल्युटली अब जैसे मिसाल के तौर पे जब मैं स्पारिंग करती थी तो अक्सर आपका एक ब्लैक आई आपका स्वोलन नाक वगैरह ये बहुत कॉमन होता है इट्स अ वेरी वायलेंट स्पोर्ट तो अनलेस आपने अपना अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया हुआ है ना सही तरह तो इट्स नॉट समथिंग आई वुड रेकमेंड फॉर एवरीबॉडी और इसलिए आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करते हैं ताकि अगर किसी का मतलब मुक्का लगे भी यू हैव टू बी एबल टू सस्टेन इट तो इसलिए हम नेक एक्सरसाइजेस भी करते हैं और हम अपना डॉजिंग और इस तरह का हम बड़ा फोकस करते हैं तो यानी कि जिस दिन लड़ाई होती है आपकी ये फाइट होती है उसके बाद आप यानी कि ये सब ब्रूजेस ब्रूजेस के साथ घर लौटती हैं होते हैं पर ऑब्वियसली जब आपके स्पारिंग होती है आपका वो कंडीशंस इस तरह आप वो करते हैं कि दे वुडंट पुट यू इन द रिंग अनलेस कि वो कॉन्फिडेंट है कि ये बंदा अपने आप को मतलब सस्टेन कर सकता है फिर भी एक चलती लड़ाई वो तो है बट हर स्पोर्ट के साथ अपना ये रिस्क तो होता है ऐसा रिस्क नहीं होता ना था ये तो बिल्कुल ही एक अब देखिए फुटबॉल में कंकशंस वगैरह भी लोगों को मगर वो बहुत रेयरली है मगर एक क्रिकेट में बॉल का लगना बहुत रेयर होता है मगर इसमें मुझे लगता है कि इसमें तो मकसद ही अगले का आपको हिट करना है ना हर तरीके से मुंह नाक से जाना है मुंह नाक से जाना वाली बात है तो आपके हस्बैंड भी कोई इस किस्म का शौक रखते हैं इसी स्पोर्ट इसी फील्ड में नहीं स्पेसिफिकली बट वैसे लाइक जैसे शौक है मतलब वैसे तो मगर ये वाला कोई शौक नहीं उनको मारने मुरने का और मार खाने का कोई नहीं जो छोटा भाई है वो रेसलिंग भी करता है मार्शल आर्ट्स की एक इंटरेस्ट है उसके अटैच्ड में आपका ना एक फ्लो बन जाता है आपका तो कभी ऐसा होता है कि आप जब घर आती हो वापस फाइट के बाद और इस तरह कोई हुई भी है स्वेलिंग ब्रूजेस वगैरह हुए हैं ब्लैक आए तो वो आपको कहें मैंने मना तो किया इतनी बार तुम्हें लेकिन तुम फिर भी बाज नहीं आते नहीं वो तो दोस्तों को फोन कर देते हैं बदला लेने चले मतलब आफ्टर एनी फाइट मुझे तो इतना सच इतनी इंजरी नहीं हुई जितनी इंजरीज हुई हैं मेरे तो ज़्यादा स्पारिंग के रिलेटेड हुए हैं लेकिन मैं एक नबील भाई से बात करना चाह रहा हूँ काफ़ी देर से कि भजन आप ड्रामे जैसे प्रोड्यूस करते हैं फिल्म क्यों नहीं प्रोड्यूस करते आप फिल्मों में आपने काम भी किया है तो आपको करनी भी चाहिए उनते माशाल्लाह पैसे भी ठीक है पैसे वाली गल कहने गई देखो यार फिल्म जो है ना वो पूरी एक रॉकेट साइंस है और हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि फिल्म पड़ी होना बड़ा ज़रूरी है फिल्म बनाने के लिए और उसमें भी फिर एक चांस है
कि आप अच्छी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। जी, सही बात। तो वो मुझे नहीं लगता ये बिजनेस के हवाले से, अभी हमारे यहाँ फिल्म हमारे पास मेरा ख्याल है टोटल स्क्रीन 120 या 125 और 120-125 स्क्रीन में आप पैसे कवर ही नहीं कर सकते सर। नहीं, जैसे माशाल्लाह बाहर भी अब तो लगती है। हाँ, लेकिन उसका भी बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको अभी उस लेवल, जैसे अभी मौला जट थी उसने किया है एक बिजनेस, अदरवाइज तो और कोई मूवी बाहर तो मेरा ख्याल है ब्रेक इवन ही करती है, वो लगता है आपको कि शायद अर्न कर रही है। उसमें जैसे पंजाब नहीं जाऊंगी, ये जवानी फिर नहीं आनी, उन्होंने बहुत ज्यादा बिजनेस किया, तुम कोशिश करो। चले, मैं को आप कहते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ। चलो ठीक है, पहले तुम वो बुलबुले वाली गल ना भूलना, बाकी खैर फिल्म करो ना करो बुलबुले वाली गल याद रखो। हाँ, नहीं वो डन डन। रोज मैसेज तक आएगा दुआवां दा, वो समय ना वही चक्कर है। वैसे इस तरह के बहुत से आते रहते हैं, आपको रिक्वेस्ट आती हैं। हाँ नहीं, वो मसला नहीं है, वो सिर्फ ये होता है कि अगर आप नए, बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांस दें, और अगर कोई किसी में टैलेंट है तो वो नजर आता नहीं। काफी लोगों को आपने ऐसे को भी चांस दिया, उनसे मैं बेहतर कर सकता हूँ। जैसा कि महमूद असलम साहब की बात करना चाह रहा हूँ। गुड जाम, खली खली खली। सलाम अलैकुम या चौधरी, कई बनाए सेजलेस सेजलेस, माफी मुश्किल। भाई वो उठते नहीं ऐसे सेजलेस सेजलेस सेजलेस। खुश क्यों इतना भाई? खुश इस वास्ते है कि काम इसका काफी बेहतर हो गया, बड़ा परेशान रहा पिछले दिनों पे। खलिम खलिम खलिम, फिल पाकिस्तान अना मुताब जिद्दन। क्या जब जब पाकिस्तान चाहे ना, ये एक गल बड़ी परेशान कर दी। क्या या सदीक ला यतवक्कफून फिल इशारा عند يتوقفون متصولون ما في وقف। कहंदा भी इशारों दे उते ना जी, अक्सर मैं देखया भी लोग रुकदे नहीं, कानून दी खिलाफ वर्जी करदे ने। फिर मैं दसिया, मैं जे असि इशारे ते साह लईए ना ते फकीर नहीं साह लैण दिंदे। वाहिदी जी सवी सवी किताब वादर मोया बाद कभी विदा इशारा या हबीबी। कहंदे ने जिवें गड्डी रुकदी है ते फौरन उते पानी सुट के शीशे ते साफ करन लग पैंदे ने, फिर जाहिर है मेरे मैनूं तरस आउंदा। ओ واحد نفر يجي هو صبي كده يا لا تنبو يا بوتشي دبي ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਯਾ ਵਰਾਜ, ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾ ਚੌਧਰੀ ਇੰਤ ਆਰਿਫ ਕਮ ਹਈਆ ਕਬੀਰਤ ਹੱਕ ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਔਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਵਕਤ ਇਸ਼ਾਰਤ ਕਸੀਰਨ ਜਿੱਦਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਸਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲੰਘਦਿਆਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ। ايوه ايش هذا يا حبيبي؟ واحد يوم انا اشوف هذا كله متصولين مغادرا 5000 روبيا وكنت سعيدا جدا. كان ما هيك اشاره تو روكيا تے اوتے کافی سارے فقیر من نظر آئے، میں پھر انہاں نوں 5000 روپیہ دیتا، انہاں دے چہرے تے جڑی خوشی ہوئی نا آئی تے میں بھی بڑی خوشی ہوئی۔ بس كل ايام انا اشوف هذا سيار اشاره ما في سيئه. ہاں کہندا بھی ایک دفعہ میں لنگیا تے اشارہ جڑا سی نو کھلا ہی سی، ہاں تے میں انہاں فقیراں نوں پیسے دین لگا، انہاں نے پھڑے نہیں۔ کیوں؟ ایوہ هذا إشارة ما في كويس. ها كان بيو تي إشارة بالكل خراب سي. أوكي. أيوة أنا سوي 5000 روبية لم يأخذها. كان ده ما يرن 5000 دينه كونه نلاقي ني. أنا فكر توي أنا كلم يا وريج. أنا كان ده بدي فكر وهي فيرمة بدي أجي نو بحشة. أيوة أنا كلم يا وريج. هذا نحن في الكويت. كان ده أزيك تري الكويت هي تني بيرة. أيوة. كير بحشة ني لاير. دولار لم يصبح رخيصا. كان ده بدولار تني كتري بوتة ثلة يا أجيا. بيرن بحشة ده إحساس هي ني. الرخاء في خوشحالي كان كده خوشحالي تاني اگے فقیر بھی پے نہیں پڑن دے يقولون هو كل يا شيخ انت رئيس الكبير المدير ما يبغى فلوس بس صوي واحد شيء كان نے پھر فقیراں نے مینوں کہا کہ یا شیخ سانو پیسیاں دی لوڑ نہیں ساڈا بس ایک کام کر دے کیا ایوا صوي اصلاح ہی تر اشارہ کہندا بھی اشارہ ٹھیک کروا دے انا صوي اشارہ سوف تكون حرة کہندا بھی ساڈا کاروبار تباہ ہو گیا جدوں اشارہ خراب ہویا پھر انہاں کہ انہاں دا میں اشارہ ٹھیک کروا کے کروا دیا انہوں نے ہاں ہائے سو اشارہ ہاں انہاں دا کام ٹھیک ہو گیا سخی آدمی نا سر آئی نو ایوا سوف تكون حرة ہاں کہندا سوف تكون حرة میرا خیال ہے جیکٹ تو سودا کر رہے ہیں بدلا لے رہے ہیں نا نا انہوں نے کیا اشارہ ٹھیک کرا تیرا لنگڑا ٹپڑا فری کر دیا अच्छा मेरे पास मेहमान बैठे हुए नबील साहब इज एन एक्टर बुलबुले एंड आरिफ या एंड मैं जानना मैं देखा हुआ है ना। अच्छा आपने भी बुलबुले देखा हुआ है? आप ना मालूम बुलबुले ओ वहां पे मिडिल ईस्ट में भी बुलबुले? नहीं 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 वो मैं तर्जमा कर करके दसना फिर अरे हब والله هذا واحد كاركتر والله ما شاء الله كان ده بي كاركتر ده جو मैंने बड़ा ही अच्छा लगा कौन सा मामा
मोमो 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 परेशान है ये कहाँ की बोल रहे हैं. अच्छा तो फिर आप अरबी में करें ना बात. मालूम अरबी ايوه شوي ما شاء الله كم سنه انت شغل في بلدي؟ انا اسكن في جده. اوه ما شاء الله جدا. بس آپ تو بڑی پراپر عربک بولتی ہیں. آپ کتنا ٹائم رہی ہیں سعودیہ؟ till the age 16 تک. پھر اس کے بعد میں لندن چلی گئی. نہیں, age 16 کہاں سے لے کے 16 تک؟ کینیڈا تو میں پیدا ہوئی تھی. اس کے بعد ہماری فیملی جو ہے نا 11 سال کے بعد ہم لوگ سعودی موو ہو گئے تھے. اور ماشاء اللہ سے مائی پیرنٹس آر اسٹل دیئر. And you are completely fluent with the Arabic? Not entirely fluent, obviously. मगर आपको समझ वमझ आ जाती है और आप आगे से बोल भी लेती हैं. सर वैसे मेरा नाम है निदा लड़कियों का. ये नदा का क्या मतलब है? नदा एक्चुअली मेरा नाम जो है ना, इट्स एन अरबिक नेम. नदा आवाज को मेरे हल कहते हैं ना, आवाज देना. निदा इज आवाज उर्दू में और नदा का मतलब है सुबह की शबनम अरबी में. अच्छा अच्छा, अरबी में सुबह की शबनम. मैं जी रात का नदीम. फ्रेश फेस है आज. बहुत फ्रेश है. 24 घंटे से छुट्टी करके आया. 24 घंटे कल 24 घंटे छुट्टी ते रहा थोड़ा बिरा. वो कैसे? ओ बरजाई थोड़ी कदी कदी गिला कर दी. कहंदे भी तुसी सानू ते टाइम ही नहीं देंदे. 24 घंटे वर्दी पाई रखदे हो. नहीं तुहानू सोहनी लगदी. इहदा इह मतलब नहीं कि 24 घंटे पाई रखो. ओ मैं फिर कल छुट्टी ली. ओके मैं क्या आज घर थोड़ी बरजाई नु टाइम देने जरा गप छप लाने हैं. ठीक है. सलवार कमीज पा के ते मैं ही करके उसके सामने आया. हां मैं क्या कैसा लग रहे हैं? हां कहंदी पाकिस्तान की मईशत की तरह कमजोर. यार मैनू गल याद आई. मैं क्या यार गल सुन. हाँ. गल तेरी वड्डी हैगी है. मैं तो यही सुनना शुरू किया कि पाकिस्तान के हालात नाजुक हैं, मईशत बड़ी कमजोर है, जमहूरियत पनप नहीं रही. हाँ. बैटिंग के हालात भी वही हैं. कहंदी आज छुट्टी करके ते बैठो जरा, मैं तुहाडे वास्ते ना वो बनानी जिहड़े पटाके मार के नहीं मकई जूट दी पॉपकॉर्न. यस 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 ओ बना के नाला ने मेनू जाय करके दिते ने नाले चाह दा कप दित्ता है. ओके ते बह गए. मैं के आज गल करिए मईशत दे उत्ते. हां मैं नाला ने जूद नाल गल्ला करन लग पया. ते अगू कोई हूं ना हा. मैं करके गौर नाल वेख्या. फिर मैं ही करके वेख्या ते मैं गल्ला कर रहा ते ओ टीवी वेख रही. ओ मैं के अल्लाह दी बंदी है, मैं केड़ी गल कीती है समझ आई हो? हां कहंदी की गल कीती है? मैं के तैनू पता ही नहीं यार मैं की गल कीती है. ते मैं करके वेखे ते बुलबुले वेख रही. ओ मैं क्या अल्लाह दी बंदी है, मैं गल कर रहा तू बुलबुले वेखी जानी है. हां की इहदे विच हैगा? कहंदी है जरा पहला एपिसोड देखो. एक दो तीन चार. मैं क्या ये तो मुकदा ही नहीं, चली जांदा है. कितना अरसा हो गया है? कहंदी 14 साल हो गए ने बुलबुले चल रहे है और मैं कोई किस्त छड़ी नहीं. मैं क्या बिल्कुल तेरी गल बजा है ते ये तो चल रहा है. मैं क्या इस नाल नाल पाकिस्तान की जमहूरियत भी तो चल रही है. मैंने कहंदी कित्थे कितने चल रही है? कख भी नहीं चलती. एक हुकूमत आँदी खत्म हो जाती, फिर हुकूमत आँदी खत्म हो जाती. तो मैं क्या पाकिस्तान की मईशत? कहंदी वह भी नहीं चल रही. कोई हुकूमत नू समझ नहीं आ रही भी किस तरह चलानी है. तो मैं क्या पाकिस्तान की बैटिंग? कहंदी है पाकिस्तान की बैटिंग तो चाइना के खिडौने एको जे ने, चलन चलन ना चलन ना चलन. ओ यार एडे अच्छे मेहमान बुलाना तो दसदा ही नहीं जी. माशाल्लाह सर जी कॉन्फिडेंस लैवल तुहाडा भी बड़ा हाई हैगा ते कॉन्फिडेंस लैवल वासे चौधरी साहब का बड़ा हाई हैगा. लेकिन पहली बारी तुहाडे सामने पीले पए यार. जैकेट तुहानू जबरदस्त लग रही जी. बहुत नहीं विकी. और मैं ते कहंदा बैल्ट ही करा लो. ओ नो यार बड़े बड़े मेहमान वैसे बुलांदे हो. मैं हैरान हो गया कि मेरी बेटी ने इस पाकिस्तान का नाम दुनिया से बड़ा रोशन किया है. जिस तरह
नबील भाई ये भी वतन नाल बड़ा प्यार करते हैं। भाई ना प्यार करते तो इन्ना अरसा किवें इत्थे कटदे, जा सकदे ना किधरे भी। एक तस्वीर यार मैं लैनी है यार, बच्चे मेरे बड़े पसंद करते हैं। भाई बात सुनिए, उनके साथ तस्वीर लेनी है तो उनसे पूछना पड़ेगा। ओके आई एम सॉरी अबाउट दैट। ਇੰਨੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ 'ਚ ਹੋਰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਕਰੀਬੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵਨ ਸੈਲਫੀ ਪਲੀਜ਼, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਲਕੇ ਜੇ ਓਲੰਪਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਲਕੇ ਜੇ ਓਲੰਪਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੈਸਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਡਾਕੂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਲਵੇ। ਬੜੀ ਗਲਤ ਬਾਤ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਉਹ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਓ ਫੜੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਐਡਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਚਪੇੜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਬਲ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। हमारे एक आर्टिस्ट है, मुझे याद आ गया, उन्होंने ऐसे किया हुआ था, एक फोन ऐसा रखा हुआ था जिस पे मैसेज मुश्किल से आता है, तो वो आए तो उन्होंने पकड़ा दिया भाइयों को, मोटरसाइकिल पे आए तो उस पे उन्होंने एक आधी चपेड़ मारी कि नया फोन खरीद। वेलकम बैक टू गपशप, आवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, कैसे हैं आप? मैं मुनासिब हूँ, तुम हो कहाँ? जी भाई प्लीज, जी प्लीज। नबील भाई मेरा नाम रहीम है, मेरा आपसे सवाल है, बुलबुले के जो बकरा इस स्पेशल एपिसोड होते हैं, मुझे ये बताइएगा उसमें आप 5,000 का बकरा ले किधर से आते हैं? पॉइंट सर, देखे पॉइंट है ये बड़ा। हाँ नहीं, लेकिन 5,000 का बकरा हमने कभी नहीं दिखाया, सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन सा एपिसोड देख लिया? वो आपने एपिसोड ढूंढ के इनको भी बताना है कौन सा था। 5,000 का बकरा कभी ना इनको मिल पाया ये। जी क्वेश्चन। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन नबील सर से है कि जिस तरह आप ड्रामास में अक्सर लड़कियों के पीछे भागते हैं, क्या रियल लाइफ में आपकी वाइफ भी आपको इस तरह लड़कियों के पीछे जान देती हैं? बेटा अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, तो बीवी ऐसा करना देती है कहीं? क्या हो गया? भाभी ने तो रस्सी परस रखी होंगी। और वो ऐसी रस्सी है जो नजर नहीं आती। कमाल है बिल्कुल। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ कैफ। नबील सर आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आपके शुरू से एपिसोड देखता रहा हूँ कि आपके एपिसोड में एंड पे आपके साथ फ्रॉड क्यों हो जाते हैं? यार ये देखो कैसा अलमिया है कि हम कितना लुटते हैं, बल्कि अब तो हम लुट लुट के तंग आ गए हैं। हर एपिसोड कई कुछ एपिसोड में हम ये खुद ही कह देते हैं कि इस बार फिर लुट गए। क्योंकि यार देखो सिटकॉम में होता क्या है, आपको कोई ना कोई इस तरह की इवेंट क्रिएट करना पड़ता है जिसका फिर एक ड्रॉबैक होता है, तो उसके अलावा गुजारा नहीं होता। हमारी मजबूरी है कि किसी न किसी एपिसोड में हमें जो है वो ये दिखाना पड़ता है कि कोई ना कोई इनके साथ भंड हुआ है। भजन बस... वैसे माशाल्लाह आपने इतना काम किया, इतना अच्छा ड्रामा, लेकिन बुलबुले आपकी पहचान बन गया, जहाँ भी सवाल होता है बुलबुले का होता होगा, बाकी किसी ड्रामे का तो काम ही होता होगा। हाँ नहीं, अभी कुछ लोगों को धुआं भी उस तरह याद है, अजैब खाना भी याद है, डिपेंड करता है। लेकिन क्योंकि अभी नई जनरेशन जो आप सोचो ना यार, टू बी ऑनेस्ट मैं अगर सोचूँ 14 साल पहले जो बच्चा 5, 6, 7 साल का होगा, वो अब एक जवान बच्चा है ना। बिल्कुल, तो उसकी मेमोरी में तो वो बुलबुले को देख के बड़ा हुआ है, तो वो लगता है कि वो बुलबुले का मुझे लगता है वो ज्यादा है उस हवाले से कि बाकी काम। और सच्ची बात यह है कि मैं सीरियस काम मैंने वैसे कम किया है, अब मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छा कोई स्क्रिप्ट ही नज़र नहीं आता। मैंने अभी बीच में सिर्फ एक प्ले था सरेरा, उसमें एक एपिसोड किया था, मुझे अच्छा भी लगा था, मज़ा भी आया था, लेकिन बहुत अरसे बाद। तो अब वो सीरियस की कोशिश कर रहा हूँ कि यार कोई सीरियस अच्छा कैरेक्टर मिले तो उसमें परफॉर्म करूँ। गुड जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ रेहान खान एंड माय क्वेश्चन ओनली फॉर नदा जी। नदा जी आप जानती हैं कि लड़कियां अपनी स्किन के बारे में बहुत कॉन्शियस होती हैं, तो कभी अचानक ऐसा हुआ कि आपको दूसरी जानिब से कुछ सुन पड़ा हो? ऑब्वियसली वो डर तो आपको लगता है, बट जब आप खेलते हैं ना, आपको इतना पैशन और इतना आप इन द मोमेंट हो जाते हैं कि आई सपोज आप, मैं तो खुद भूल जाती हूँ। तो ऑब्वियसली आपका जो पर्पस होता है वो मकसद यही है कि नॉट टू गेट हिट, आई यूज दैट फ्यूल माई पैशन एंड टू गेट थ्रू द फाइट। ओके जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन तो कोई नहीं है लेकिन एक साइंटिफिक सी पोइट्री है। अच्छा पोइट्री है जी। हम भी थे मजबूर हालातों के, उसे भी उसके खुदा ने रोक लिया,
हम भी थे मजबूर हालातों के, उसे भी उसके खुदा ने रोक लिया, और फिर हम करने वाले थे बेवफाई, फिर हमें न्यूटन के तीसरे लॉ ने रोक दिया। ये जो आपने सुनाया है, ये आपने खुद किया तख्लीक? जी जी सर। आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ गुजरी थी? तकरीबन तकरीबन गुजर गई थी या गुजरने लगी थी, मतलब दरमियान में ही है। अच्छा, बीच में फंस गई थी? बीच में फंस गई थी, शेर बीच का ही लग रहा है। जी क्वेश्चन। Hi Nada, my question is for you. Firstly, you are doing a commendable job for representing the females of Pakistan. So my question is regarding the misconceptions and the stereotyping regarding the females. So what would you suggest the females of Pakistan? Yeah, of course. I think it's important to break stereotypes and show people ke jo bhi aapke passion hai, you should be ambitious to reach those targets. Aur bas yahi hai. I haven't let my gender stop me from achieving in the culinary field or for my sports or the fact ke mere bacche bhi hai ke main ab ye cheez nahi kar sakti hu, so I haven't allowed any of those things to stop me from following my passion. वैसे भाई अगर तड़ा कार लेके जाइए तो पेट्रोल सस्ता मिलेगा। डिपेंड करता है अगर आप पीले वाले पंप पे जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद महद है। मेरा सवाल नदा जी के लिए है कि नदा जी, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी फ़ाइट की हैं, आज तक कोई ऐसी फ़ाइट या ऐसा पंच जो बहुत यादगार रहा हो आपके लिए? वजह हुए कि मारिया हुए मेरे ख्याल से जब मैं लंदन में थी और मैं स्पारिंग करती थी, एक यूरोपियन चैम्पियन थी जिसमें से मैंने 2-3 राउंड स्पारिंग की थी, तो उसने मुझे ना स्टर्नम में एक मतलब सेकंड के लिए, एक लम्हा के लिए उसने जैब मारी और मेरी जो सांस थी ना कुछ 10-20 सेकंड रुक गई थी। तो आई थिंक दैट्स द वन पंच जो मुझे आज तक याद और है। उसके बाद क्या हुआ था? यू रिकवर, हमारा वो मुसलसल स्पारिंग चलता रहा। सांस लेने की दोबारा आई और फिर दोबारा शुरू हो गई। ऑब्वियसली आप ब्रेक लेते हैं फिर आप दोबारा शुरू। बल्कि आज गोदे कान च लगा पैणा वो मौका हुन ना मारी मेरे। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम साइम भट्ट है। मेरा क्वेश्चन अदा मैम से है कि जब इन्होंने बॉक्सिंग की फील्ड ज्वाइन की तो इन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? यह जो मुंडे दिया जराबा जरूर पार्टियां होंगी। आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल ये था कि अपने अपोनेंट्स को ढूंढना, क्योंकि हमारी वेट क्लास में बहुत कम लड़कियां मतलब इस फील्ड में वो होते हैं, तो अक्सर ये होता था कि हमारा फाइट्स और एक्सपीरियंस वगैरह होता नहीं था क्योंकि अपोनेंट्स ही नहीं थे, लड़कियां इस फील्ड में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। सो सबसे ज़्यादा चैलेंज आई थिंक यही था कि हमारा वी वुडंट हैव इनफ अपोनेंट्स टू स्पार विद और कम्पीट विद, तो यही बात। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, मेरा नाम हमाद भट्ट है। मैं आज आपके लिए सवाल कोई नहीं लेके आया, मेरा आपके लिए एक चैलेंज है। चैलेंज लिया जी कि मेरे जितना पतला हो गया वो कहो। पूछ ले दो, मैं आपकी एज में इतना ही पतला था। जी चैलेंज, छोटा सा पुशअप चैलेंज, यू एंड मी वन ऑन वन राइट नाउ। किसने कह दिया कि मैं बॉक्सिंग करता हूँ? पुशअप मेरे तरफ से कैसर जो मर्जी आ जाए। आइए कैसर के लिए तालियां। पहले आप करें। अच्छा एक सेकंड पहले पुशअप बता दो भाई को क्या है। नहीं नहीं मुझे पता है। अच्छा पहले वो जो ऐसे करके और जितने ये करेंगे उससे ज्यादा मैं करूंगा। चलो ठीक है, चलो शाबाश। अच्छा इन्हें कहंदे ने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. वो मेरे भी करे जा रहे हैं जी। आज मेहनत अल्लाह ने हटने के बचा लिया। 48, 49, 50, वाह वाह वाह, 52 पुशअप्स। होए 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 बेटा मुल्क लिए कुछ कर, तू की करने यार। मैं तो 6 करने ही थे, तुसी 1-1, 2-2 बुला लेने सी। नहीं मैं इसीलिए मैंने उसको 50 पे रोक दिया क्योंकि वो बहुत आगे चला गया था। मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं है भैया, हम तो यहाँ पे 10 के बाद ही मुसीबत पड़ जानी थी। नहीं वेल डन शाबाश, वेरी गुड यार, जबरदस्त। मतलब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बॉक्सिंग करती हैं,
अभी हम देखते हैं ये MMA फाइट्स भी होती हैं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये जो इस किस्म की स्पोर्ट्स है इट्स अ लॉट ऑफ ब्लडी स्पोर्ट, ठीक है, इट कैन गेट वेरी अग्रेसिव, इट कैन गेट वेरी वायलेंट, स्पेशली MMA तो मुझे देख के एक तरफ दुनिया के अंदर एक बहुत मूवमेंट चल रही है अबाउट एंटी वायलेंस, एंटी अग्रेशन, सेंसिटिव हों, यू नो, कंसिडरेट हों एंड ब्ला ब्ला, और दूसरी तरफ हम ऐसी स्पोर्ट्स को भी प्रमोट कर रहे हैं जो कि इन आर फेस इतनी अग्रेसिव हैं। आपको कुछ अजीब सा लगता है ये कॉन्ट्रडिक्शन? फॉर मी पर्सनली मैंने कभी एज सच इतना पर्सनल नहीं लिया ये। आई थिंक के इट्स इम्पोर्टेंट कि आप डिस्टिंग्विश करें कि जब आप एक स्पोर्ट खेलते हो इट्स अ फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन, और आप ऑब्वियसली वही गेम रूल्स के दौरान में आप एक गेम खेल रहे हो, यू आर फोकस्ड ऑन पॉइंट स्कोरिंग, आपका एक रिस्पेक्ट होता है आपके अपोनेंट के लिए, तो इट्स स्टिल अ स्पोर्ट। ऑब्वियसली ब्लडी तो होता है क्योंकि वो तो MMA तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब MMA आई थिंक जो है ना इज क्वाइट हैंड्स ऑन, आपका ग्रैपलिंग भी होता है उसमें, और आई सपोज दैट्स violent but boxing is nonetheless, but at the end of the day वो एक discipline होता है और एक I suppose rivalry or competitiveness होता है उसमें, human nature है, human nature ही है, लेकिन आप कुत्तों की लड़ाई करा के लोग खुश होते हैं, मगर कभी देखे सोचे कितना वो नहीं, मगर उसके ऊपर बहुत सा अब तो उसमें laws भी बन चुके हुए हैं कि आप नहीं करा सकते, वो मुझे हमेशा ये एक मेरे जहन में कन्फ्यूजन रहती है कि एक तरफ पूरी दुनिया में एक मूवमेंट चल रही है इंसानियत और खून खराबा नहीं होना चाहिए एंड ऑल दैट, और उसके दरमियान में एक स्पोर्ट्स है जो कि इतनी आउट देयर खूनी किस्म की है, तो वो मुझे बड़ी अजीब सी होती है कि ये कैसे आजकल के दौर के अंदर इतना इसको कर रहे हैं, करने वाले कर रहे होते हैं, लोग खेल रहे हैं और बड़ी स्पोर्ट बनती जा रही है। बट नबील भाई बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का, और फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बड़ी ज़बरदस्त काविश है आपकी और आपकी टीम की। जैसा आपने कहा कि जनरेशन हैं यहाँ पर, कितने ही बच्चे होंगे जो उस वक्त बहुत छोटे होंगे जब आपका पहला एपिसोड चला था, और आज माशाल्लाह वो बड़े हो चुके हुए हैं। ये हमारे यहाँ पे ये डिबेट नहीं होती और ना इस पे कमेंट होता है, लोग रियलाइज़ नहीं करते कि इस किस्म की बहुत छोटी छोटी काविशें होती हैं जो कि आपके जहन में कहीं पीछे बैठी होती हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। हम शायद उनकी सिग्निफिकेंस या उनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते, हमें लगता है यार ये कौन सी बड़ी बात है, ज़िंदगी चल रही है ब्ला ब्ला, मगर ये छोटे 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 कतरे होते हैं जो कि हमारे अपब्रिंगिंग के अंदर हमारे कल्चर को माइंड में रखते हुए हमारी फैमिलीज़ के साथ जो हम चीज़ें देख सकें उनकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये आप लोगों को भी कुछ और साल बड़े होने के बाद रियलाइज़ होगा कि वो फलां प्रोग्राम जो आप देखते थे अपनी फैमिली के साथ बैठ के, उसकी कितनी रेलेवेंस आपकी ज़िंदगी में बन जाएगी आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। नदा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह कुसुन मुक्के मारती रहें और आप जितने खुन्ने खोल सकती हैं जैसे लाहौरी ज़बान में कहते हैं आप खोल दीजिए, बट बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।